एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया में जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ा, उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखकर कुटिया चला गया। कुटिया पहुँचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब जगत खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा, सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यह सोचकर वह जंगल में गया। सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया। उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर पुनः लकड़ियाँ उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियाँ बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे खजूर खरीद सके। वह प्रसन्न हुआ। खजूर की दुकान पर तब वह देखा कि एक खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिया और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की, तो कभी बच्चों, तो कभी धन की। मैं साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से मैं तो इच्छाओं का दास बन जाऊँगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। सीख: यदि हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं, अनुचित भी। ऐसी में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बनाना है।